Indra Chaudhary or Meenu Kumari Barua. Indra Chaudhary, Meenu Kumari Barua. बेटा बोलो चंदा बोलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बेटा गुड मॉर्निंग चंदा कौन कौन है मीनू कुमारी बैरवा इंदिरा चौधरी भावना चेल्सी अंजलि शर्मा चंदा शर्मा मोनिका मोनिका भी आ गई ममता शर्मा ये भी ममता शर्मा एक तो कौन है ममता बैरवा और एक दूसरे ममता शर्मा है निकिता शर्मा भी आ गई निकिता शर्मा निकिता एक मिनट मैं लिख लेती हूँ निकिता शर्मा आ गई सीमा चौधरी आ गई प्रिया आ गई सीमा चौधरी ऐड करते हैं बेटा और प्रिया प्रिया दर्शिता राणा
रिचू शर्मा, दर्शिता राणा, पिंकी चौधरी भी आ गई, पिंकी चौधरी। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो मैम, मैम आपकी आवाज सही नहीं आ रही। नहीं मैम। नो मैम, आवाज खराब मैम क्लियर नहीं आ रही। नो मैम नहीं आ रही। तू क्या, बेटा नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या? कुछ क्लियर नहीं आ रही तू रिकॉर्डिंग में तो नहीं आ रही। अब ठीक है मैम, सभी के पास नहीं। अब ठीक है, तो सही है। अब आ रही, कुछ आ रही है? सुमन चौधरी आई है बेटा, अभी तो एडमिट ही कर रहे हैं, फिर देखते हैं। कमलता जाट भी आ गई, अभी बिगिन करते हैं बेटा, फिर बताना आप लोग। पहले अपन कर रहे हैं वेजिटेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की वनस्पति। तो अपन देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे धरातल। तो धरातल के बारे में जब बात करते हैं तो धरातलीय दृष्टि से भौगोलिक स्थिति के अनुसार राज्य को 5 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भाग? 5 भाग है। पश्चिमी शुष्क प्रदेश, वेस्टर्न डेजर्ट राजस्थान, पश्चिमी शुष्क प्रदेश। दूसरा है सेमी एरिड रीजन, अर्ध शुष्क प्रदेश। तीसरा है अरावली और सेंट्रल हिली रीजन, अरावली या मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश। आ जाइए तनुश्री सोलंकी, एक मिनट तनुश्री और रेखा चौधरी, एक बार बेटा एडमिट किया इनको। तनुश्री आ जाइए और रेखा चौधरी भी आइए, तनुश्री और रेखा चौधरी, रेखा चौधरी। तो पहला है वेस्टर्न डेजर्ट रीजन, दूसरा है सेमी एरिड रीजन, तीसरा है अरावली और सेंट्रल हिली रीजन, अरावली या मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश। एक है ईस्टर्न रीजन,
पूर्वी प्रदेश और पांचवा है साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो अपन बात करते हैं पश्चिमी शुष्क प्रदेश की वेस्टर्न डेजर्ट रीजन की। तो यह प्रदेश तीन समांतर पेटियों मरुस्थली बांगर व राही के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर फैला है। मरुस्थली में बालुका स्तूपा का आधिक्य है, बांगर विस्तृत मिट्टी के मैदान तथा राही बाढ़ के मैदान हैं, जो कि छोटी नदियों द्वारा बने हैं। ये नदियां अरावली के पश्चिम से निकलती हैं। तो यह शुष्क प्रदेश प्रकृति का एक अच्छा उदाहरण है, लेकिन इंदिरा गांधी नहर के आगमन से मानवकृत होता जा रहा है। इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है। बात करते हैं सेमी एरिड रीजन की, अर्ध शुष्क प्रदेश की। तो यह प्रदेश मतलब अर्ध शुष्क प्रदेश अरावली के पश्चिम में उत्तर पूर्व से, आवाज आ रही है किसी की? यह प्रदेश अरावली के पश्चिम में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर है, मतलब the height of the semi-arid region is about 450 meters। इसकी पश्चिमी सीमा 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा बनाती है। इसके अंतर्गत पाली जालोर सीकर झुंझुनू चूरू व हनुमानगढ़ जिलों के भाग शामिल हैं। मतलब अर्ध शुष्क प्रदेश में कौन कौन से आते हैं? पाली है क्योंकि अर्ध शुष्क प्रदेश है, जालोर सीकर झुंझुनू चूरू हनुमानगढ़ जिला ये सब किसमें आते हैं? सेमी एरिड रीजन्स में। यह प्रदेश आंतरिक अपवाह का क्षेत्र है, जिसमें विश्व प्रसिद्ध साबर बीरवाना एवं पंचभद्रा झीले स्थित है इन झीलों को कैथिस महासागर का अवशेष माना जाता है। इस प्रदेश को मतलब अर्ध शुष्क प्रदेश को राजस्थानी बांगर भी कहा जाता है। इसको लूनी बेसिन शेखावाटी भाग नागौरी उच्च भूमि घग्गर मैदान आदि उप विभागों में बांटा गया है। अब करते हैं तीसरा अरावली और सेंट्रल हिली रीजन। आ रही है आवाज बेटा? सभी को आ रही है? अब आवाज बताओ बेटा, कोई भी आवाज आ रही है? अरावली और मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश। तो यह प्रदेश संरचना की दृष्टि से दिल्ली समूह से संबंधित माना जाता है। अरावली को आड़ वाला पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। ये श्रेणियां गुजरात के पालनपुर कस्बे के खेड़ ब्रह्माई से दिल्ली तक 692 किलोमीटर की लंबाई में है। ये विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में मानी जाती है। मतलब जो अरावली पहाड़ी है वो विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में मानी जाती है। अरावली की ऊंचाई दक्षिण पश्चिम में अधिक तथा उत्तर पूर्व की ओर कम होती जाती है। अरावली राजस्थान के महान जल विभाजक के रूप में है। इसकी सर्वोच्च चोटी प्रसिद्ध पर्यटक स्थल माउंट आबू के पास गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1727 मीटर है। कर्नल टॉड ने इसे संतों का शिखर कहा है। मतलब अरावली
पहाड़ी को क्या कहा है, शब्दों का शिखर कहा है, किसने कहा है, कर्नल टोड ने, यह हिमालय एवं नीलगिरी पर्वतों के मध्य सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इस प्रदेश को चार उप विभागों में बांटा गया है, उत्तर पूर्वी पहाड़ी, दूसरा है मध्य अरावली, तीसरा है मेवाड़ पहाड़ियां और चौथा है भूरात भूरात पठार तथा आबू पर्वत क्रम। अब चौथा रीजन है ईस्टर्न रीजन, पूर्वी प्रदेश, ईस्टर्न रीजन पूर्वी प्रदेश, यह राजस्थान के पूर्वी भाग में फैला हुआ है। यह राजस्थान के ईस्टर्न रीजन राजस्थान के पूर्वी भाग में फैला हुआ है। इसमें बनास बेसिन व माही बेसिन शामिल है। वन की आशा बनास नदी उदयपुर जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी सहायक नदियां खारी माशी मेरेल गंभीरी पेड़च कोठारी आदि है। इसका दक्षिण भाग 56 प्लेन 56 मैदान के नाम से जाना जाता है। इसमें बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले शामिल हैं। माही प्रमुख नदी है जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलकर राजस्थान में बहती हुई गुजरात में चली जाती है तथा खंबात की घाड़ी गल्फ ऑफ कैम्बे में गिरती है। इस मैदानी भाग में जयपुर जिले की ढूंढ BHUND जयपुर जिले की ढूंढ व बाणगंगा नदियां भी प्रवाहित होती हैं। बाणगंगा नदियां भी प्रवाहित होती हैं। चंबल नदी अपवाह तंत्र का भी इस भाग में प्रवाह है। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के पहाड़ी भूभागों को स्थानीय भाग में बागड़ कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इसमें पठारी भाग व नदियां पाई जाती हैं। पठारी क्षेत्र के मध्य उत्तर पूर्व में बूंदी व मुकंदरा पर्वत श्रेणियां हैं। इसे हाड़ोती पठार के नाम से भी जाना जाता है। यह मालवा पठार व विंध्यन उच्च भूमि पठार में बटा हुआ है। ये पठार मतलब साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन बारा बूंदी कोटा एवं झालावाड़ जिलों में फैला हुआ है। यहाँ पर काली उपजाऊ मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। चंबल यहाँ की प्रमुख नदी है। इसकी सहायक नदियां काली सिंध पार्वती आदि हैं। चंबल नदी पर भैसोड़गढ़ के पास चूलिया जल प्रपात है। अब बात करते हैं क्लाइमेट की, जलवायु की। तो यहाँ पर शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। यह कभी कभी कुछ स्थानों पे 48 डिग्री से 48 डिग्री सेंटीग्रेड से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है। शीत ऋतु में तापक्रम 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। कभी कभी पारा जमाव बिंदु पर भी पहुंच जाता है। वर्षा मानसूनी ही होती है जिसकी औसत मात्रा 25 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक है। राज्य में वर्षा का मुख्य स्रोत
बंगाल की खाड़ी की शाखा है, लेकिन दक्षिण राजस्थान में, दक्षिण राजस्थान में अरब सागर की शाखा से भी वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी जिलों में होती है। दिन की कड़ी गर्मी के पश्चात राज्य का मरु प्रदेश रात्रि में शीतल हो जाता है। ऐसा वहां के वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति व वनस्पति के अभाव के कारण होता है। राज्य में शीतकालीन वर्षा मावट के रूप में होती है। इसको भू रचना के आधार पर निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। मतलब एक तो है शुष्क जलवायु प्रदेश, एक है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, तीसरा है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, एक है आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब बात करते हैं मिट्टी की, मतलब सॉइल्स की। तो मिट्टी सॉइल मानव जीवन का आधार है। राज्य में पाई जाने वाली मिट्टी को भौतिक स्वरूप, विशेषता एवं उत्पादन क्षमता के आधार पर कुछ अग्रलिखित भागों में विभाजित किया गया है। तो मिट्टी को भी विभाजित किया गया है। पहला है रेतीली या मरुस्थलीय मिट्टी। रेतीली या मरुस्थलीय मिट्टी जो कि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, श्री गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू व नागौर जिलों में पाया जाता है। एक दूसरी है लाल मिट्टी, रेड सॉइल, जो कि उदयपुर व डूंगरपुर जिलों में पाई जाती है। तीसरी है काली मिट्टी, जो कि कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों में पाई जाती है। चौथी है मिश्रित लाल तथा काली मिट्टी। मिश्रित लाल तथा काली मिट्टी भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ व बांसवाड़ा जिलों में पाई जाती है। पांचवी है मिश्रित लाल तथा पीली मिट्टी, जो कि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तथा कुशलगढ़ में अधिक ऊंचे व आर्द्र भागों में पाई जाती है। सिक्स है जलोढ़ या कछार मिट्टी, राज्य के पूर्वी जिलों में पाई जाती है। सेवेंथ है लवणीय मिट्टी, जो कि डीडवाना, सांभर, बाड़मेर व जालोर के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो अब बात करते हैं राजस्थान की वनस्पति के बारे में। तो क्वेश्चन क्या आता है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द वेजिटेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान की वनस्पति पर एक ऐसे लिखिए, एक निबंध लिखिए। या क्वेश्चन आता है राजस्थान के संकटग्रस्त पादपों के बारे में बतलाइए। Write an essay on endangered plants of Rajasthan. तो बात करते हैं राजस्थान की वनस्पति, vegetation of राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान के वन एवं वनस्पति तथा पादप प्रजाति संगठन के विस्तृत अध्ययन के लिए भू प्राकृतिक आधार पर पूरे राज्य को तीन प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है एरिया वेस्ट ऑफ अरावली, अरावली से पश्चिम का क्षेत्र। दूसरा है अरावली रेंज, अरावली पर्वत क्षेत्र। तीसरा है एरिया ईस्ट ऑफ अरावली, अरावली से पूर्व का क्षेत्र। तो बात करते हैं डेजर्ट रीजन की, अरावली से पश्चिम का क्षेत्र क्या है और इसमें कैसी कैसी कौन सी वनस्पति पाई जाती है। तो राज्य का पश्चिमी शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र, जिसे राजस्थान मरुभूमि या थार का मरुस्थल कहा जाता है, लगभग 196,150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
अरावली अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के पश्चिम में अवस्थित यह रेगिस्तान शेष भारत से भिन्न है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं कम वर्षा 150 से 200 मिलीलीटर, अधिक तापमान 47 डिग्री सेंटीग्रेड, तेज हवाएं 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तेज धूप, कम आर्द्रता तथा रेतीले मैदानों के बीच स्थिर अर्ध स्थिर तथा अस्थिर रेत के टीले जिनकी पल पल में परिवर्तनशील आकृति एवं संरचना प्रकृति के आदित्य शिल्प का अनुपम उदाहरण है। शुष्क मरुभूमि में पाई जाने वाली वनस्पति विरल एवं छितराई हुई दिखाई देती है तथा स्टंटेड रुद्ध वृद्धि कटीली काष्ठीय झाड़ियों एवं बहुवर्षीय शाकीय प्रजातियों द्वारा निरूपित होती है। वृक्ष अत्यंत विरल एवं कम संख्या में दिखाई देते हैं, लेकिन इन सभी प्रजातियों में शुष्कता प्रतिरोधी क्षमता उल्लेखनीय होती है। उक्त वातावरण में वनस्पति की अपनी विशेषताएं हैं। अब वनस्पति की अपनी विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं मेरा डिस्टर्बेंस आ रहा है, कहां से आवाज आ रही है कहीं से। इन विशेषताओं के कारण ये पौधे अपने आप को तापक्रम के उतार चढ़ाव, कम जल वाली रेतीली भूमि में विकसित होने के लिए अनुकूल बना लेते हैं। पहला है वर्षा ऋतु में पाई जाने वाली वनस्पति। तो मरु क्षेत्रों में वर्षा होते ही रेतीली मैदानों तथा बालू का स्तूपों मतलब सैंड ड्यून्स पर अल्पजीवी शाकीय पादप एपिमिरल्स एवं छोटी जड़ी बूटियां बहुतायत में उग जाती हैं, परंतु वर्षा की समाप्ति तक ये अपने जीवन चक्र को पूर्ण कर बीजों को रेतीली मिट्टी में समाहित कर देती हैं। अतः ग्रीष्म व शरद ऋतु में रेतीले टीले एवं मैदान नग्न रहते हैं। केवल वर्षा ऋतु में ही विभिन्न शाकीय प्रजातियों द्वारा आवृत रहते हैं। इस प्रकार के पौधों को अल्पजीवी या अल्पकालिक पादप एपिमिरल प्लांट्स कहते हैं। सफेद हुलहुल इसका बॉटनिकल नेम क्या है? गाइनेंड्रोप्सिस पेंटाफिला। तीसरा है आंधी झाड़ा का बॉटनिकल नेम क्या है? एकाइडेंथस एस्पेरा। लूनी इसका बॉटनिकल नेम है जिगफिलम सिंप्लेक्स। एक है लूनी बताई दिया। एक गोखरू का बॉटनिकल नेम है ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस। एक है धूल फूली इसका बॉटनिकल नेम याद करना है पॉलीकार्पिया कोरिम्बोसा। कुछ ऐसी पादप प्रजातियां हैं। अब सेकंड बात करते हैं बालू का स्तूपो सैंड ड्यून्स की वनस्पति तथा पादप समुदाय। तो रेतीले टीले एवं इनसे सटे हुए क्षेत्र मरुभूमि को अत्यधिक सामान्य आवास स्थलियां कही जा सकती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। तो विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूपों जैसे स्थिर आंशिक रूप से गतिमान रेतीले टीलों पर पाई जाने वाली वृक्ष एवं शुभ प्रजातियां हैं अरनी
अरनी का बॉटनिकल नेम क्या है? क्लीरोडेंड्रम, CLERODENDRUM, क्लीरोडेंड्रम फ्लोमाइडस, फ्लोमाइडस। दूसरा है लोना, लोना, हेलोजाइलोन सेलिकॉर्नियम, हेलोजाइलोन सेलिकॉर्नियम। एक है आपका मोराली, कौन सा है? मोराली। तो मोराली का बॉटनिकल नेम है लाइसियम बारवेटम, लाइसियम बारवेटम इत्यादि शुक्र प्रजातियां। जबकि कुछ रेतीले टीलों पर कुमटा, कुमटा को क्या बोलेंगे? अकेशिया सिनेगल, खेजड़ी प्रोसुपस सिंडेरिया एवं पीलू, पीलू को क्या बोलते हैं बॉटनिकल नेम क्या है? सेल्वेडोरा पॉलियोइडस जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। रेतीले टीलों पर पाई जाने वाली प्रमुख शाकीय प्रजातियों में बुई, बुई का नाम है एरवा, AERVA, एरवा जावानिका तुम्बा या इंद्रायन, मतलब इंद्रायन का बॉटनिकल नेम है सिट्रुलस कोलोसिंथिस। और तीसरा है सिनिया, सिनिया का बॉटनिकल नेम है क्रोटोलेरिया बरहिया, हिरन छावा, हिरन छावा का बॉटनिकल नेम है फार्सेटिया, फार्सेटिया हैमिल्टोनाई। महफूली, महफूली का बॉटनिकल नेम है इंडिगो फेरा कॉर्डिफोलिया, सफेद झोजर, सफेद झोजर का बॉटनिकल नेम है इंडिगो फेरा लिनिफोलिया। एक है कीप लैप्टेडिनिया पायरोटेक्निका, एक है मरोरू, मरोरू बेलहेनिया, MELHANIA, बेलहेनिया बेनथामी। और एक सर्पुंखा, इसका बॉटनिकल नेम है टेफ्रोशिया फेल्सिफॉर्मिस एवं गोखरू, गोखरू का बॉटनिकल नेम है ट्रिब्यूलस लॉन्जिपेटेलस, ट्रिब्यूलस लॉन्जिपेटेलस आदि का उल्लेख किया जा सकता है। तो सामान्य घास एवं नरकुल प्रजातियां, जो सामान्य घास एवं नरकुल प्रजातियां जो वालुका स्तूपों पर, जो वालुका स्तूपों पर मृदा संरक्षण में भूमिका निभाती हैं, उनमें लंप्रो, क्या बताया? लंप्रो, लंप्रो का बॉटनिकल नेम है एरिस्टिडा, एरिस्टिडा एडसेंसियानसिस, एडसेंसियानिस। वापिस बोलती हूँ, एरिस्टिडा, ARISTIDA, एरिस्टिडा एडसेंसियानिस। हाँ बेटा, आप लोगों की भारतीय किसके आवाज आ रही है? एडसेंसियानिस लंपी, लंपी का बॉटनिकल नेम है एरिस्टिडा जूनिक्युलेटा, भूरत है, भूरत का बॉटनिकल नेम है सेंट्रस बाइफ्लोरस। और धामन, धामन का बॉटनिकल नेम है सेंट्रस सिलियरिस। और लाम्बो भूरत का बॉटनिकल नेम है सेंट्रस प्रीउराई, प्रीउराई धामनी है, धामनी का बॉटनिकल नेम है सेंट्रस सेटिनिरस। कुश, कुश का बॉटनिकल नेम है डेस्मोस्टेकिया बाइपिनेटा, कोरा घास, कोरा घास को बॉटनिकल नेम क्या है? इरेग्रोस्टिस एस्पेरा, सेवन घास, सेवन घास का बॉटनिकल नेम है लेसियूरस इंडिकस, गरमानो, गरमानो का बॉटनिकल नेम है पेनिकम एंटीडेटेल, पेनिकम एंटीडेटेल एवं मोथा, मोथा का बॉटनिकल नेम है साइप्रस एटकिन सोनाए इत्यादि प्रमुख है। तो रेगिस्तानी रेत के टीलों के बीच नमी की मात्रा अधिक पाई जाती है, अतः अंतर वालुका स्तूपीय क्षेत्रों इंटरड्यूनल गैप्स में
बहुलता से पादप प्रजातियां दिखाई देती हैं तथा अधिक हरियाली दिखाई पड़ती है। यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष एवं झाड़ियों में बाली बाली का बॉर्डर गले में अकेशिया अकेशिया जैक क्वेन ओनाई, दूसरा है कुंटा अकेशिया सिनेगल हेजरी प्रोसोपस प्रोसोपस सिंडेरिया पीलू सेल्वेडोरा ओलियोइडेस रोहिरा टिकोमेला अंडुलेटा आकड़ा कैलोट्रोपस प्रोसेरा कैन कैपेरस जेसिडुआ एवं झाड़ी बेड जिजी फस नुमोलेरिया इत्यादि प्रमुख हैं। अब रेतीले मैदानों में पाई जाने वाली वनस्पति, तो मरुभूमि का अधिकांश भाग रेतीले मैदानों एवं ऊंचे नीचे टीलों के द्वारा निर्मित होता है। यहाँ रेतीले मैदानों में मृदा कारक एवं जैव कारकों के अनुसार अलग अलग स्थानों पर विभिन्न प्रकार के पादप समुदाय पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोसोपिस कैपेरस प्रोसोपिस कैपेरस बेलेनाइटिस जिजीपस कैलीगोनम जिजीपस कैलीगोनम अकेशिया सेल्वेडोरा प्रोसोपिस अकेशिया बेलेनाइटिस कैपेरस अकेशिया बेलेनाइटिस कैपेरस कैपेरस मैटिनस क्लोरोडेंड्रम तथा लैप्टाडिनिया टेफ्रोशिया इत्यादि। तो पादप समुदाय उपयुक्त पादप समुदाय की सदस्य प्रजातियों में शुष्क एवं विषम परिस्थितियों के प्रतिरोध की पर्याप्त क्षमता होती है। बेटा पायल राज अभी तक क्यों आए? अब तो 9:34 पे तो आप आयु, क्या हो गया पायल? मैम वो हमारे ना घड़ी पीछे हो गई, मुझे पता नहीं चला घड़ी में, अब 9 बजे और मैंने अभी फोन में देखा 9:30 हो गए, इसीलिए फिर मैंने पायल में लगा दूंगी। अटेंडेंस आपकी लगा देंगे पायल बेटा, है ना? एडमिट तो आप हो ही गए हो, तो आप दिख भी रहे हो मुझे पायल राजे, मतलब एडमिट तो हो ही गए हो, लगा देंगे बेटा। घड़ी हो जाती है कभी कभी, पीछे नहीं पता चलता है। ठीक है बेटा, लग जाएगी अटेंडेंस पायल, है ना? आप चिंता मत करो, जाएगी। तो ठीक है बेटा, आज अपन पायल बात किसकी करी थी? वेजिटेशन ऑफ राजस्थान की। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में, मतलब एक दो रोज में अपन सेकंड पेपर भी स्टार्ट कर देंगे, टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो अभी चल रहा है कंकरीले चट्टानी मैदानों की वनस्पति। तो थार मरुस्थल के बहुत बड़े हिस्से में कंकड़ युक्त चटियल मैदान भी पाए जाते हैं। कंकड़ों का निर्माण सतत वायु प्रक्रिया के द्वारा इन क्षेत्रों में होता है। ऐसे आवास स्थलों में उगने वाले प्रमुख पादप प्रजातियां हैं क्लियोम बेहलियाना, इसको कहते हैं पीली हुलहुल। दूसरा है फेगोनिया इंडिका धमासा। तीसरा है आर्नेबिया हिस्पीडी सीमा रतनजोट। तीसरा है लेप्टेडिनिया पायरोटेक्निका, इसको की खीप कहते हैं। इंडिगो फेरा लिनियाई झोजर एवं बिली फेरस सिंडिका ऊट कंटाला इत्यादि। इन कंकरीले मरुस्थलीय मैदानों में कुछ पादप प्रजातियां क्षयान स्वभाव एवं ताराकार आकृति प्रदर्शित करती हैं तथा इनकी शाखाएं भूमि पर फैली रहती हैं। इनमें यूफोर्बिया क्लार्कियाना यूफोर्बिया ग्रेनुलेटा मोलियुगो सर्वियाना धोल फुली इंडिगो फेरा कॉर्डिफोलिया एवं ट्रिब्यूलस टेरिस्ट्रिस गोखरू प्रमुख हैं। तो ये है आज